नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबरों के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले को जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज का इतिहास। जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। साल 1948 में भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की थी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने मूसा गांव पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, परिवार को दी सांत्वना। वहीं मानसा जिला बार एसोसिएशन ने सिद्धू मूसेवाला के कातिलों का केस न लड़ने का ऐलान किया। हालांकि मूसेवाला का केस बार एसोसिएशन निःशुल्क लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और सोपोर में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि एक आतंकी सोपोर में ढेर। कुपवाड़ा में मारे गए एक आतंकी की पहचान सुफेल के तौर पर हुई है और ये पाकिस्तान का रहने वाला है। मारे गए दूसरे आतंकी की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। बीएसएफ के जवानों ने जम्मू जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन देखा, जिस पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। ड्रोन ने भारत की सीमा में आईईडी बम को गिरा दिया। सेना ने निष्क्रिय किए बम। आईईडी बम बच्चों के टिफिन बॉक्स में रखकर भेजे गए थे। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ा। रविवार को 1036 नए केस मिले। राज्य में मिल रहे नए केस में से 60-70% मुंबई में ही मिल रहे। वहीं देश में 24 घंटे में 3741 नए केस मिले। ये सोमवार की तुलना में 17% कम है। केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर वायुसेना में काम कर रहे रिटायर हो चुके एयर चीफ मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना सकती है, बशर्ते उनकी उम्र 62 साल से ज्यादा ना हो। हालांकि CDS का कार्यकाल 65 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। पैगंबर पर विवादित बयान के लिए भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लगातार धमकियां मिल रही। इस बीच दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद उन्हें सुरक्षा प्रदान की। वहीं मुंबई पुलिस ने नुपुर को समन भेजा है। मुंबई पुलिस स्टेशन ने उन्हें 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। RSS के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद साइबर टीम और ATS ने जांच शुरू कर दी। अब तमिलनाडु के राज मोहम्मद नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया। कानपुर हिंसा के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। पथराव के बीच पुलिस एक आरोपी को पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन दूसरा भाग गया। बाद में मौके पर भारी पुलिस बल भेजा गया। BJP नेता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के विरोध में कानपुर में शुक्रवार को उस वक्त हिंसा हुई थी जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कानपुर में ही थे। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी, उसकी पत्नी और अन्य खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 13,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण की धोखाधड़ी के मामले में ये कार्रवाई की गई। ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन पद पर बने रहेंगे। पार्टीगेट स्कैंडल के चलते संकट में घिरे ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने हाउस ऑफ कॉमन में विश्वास मत साबित कर दिया। सदन में बोरिस जॉनसन के पक्ष में करीब 60% वोट डाले गए। कर्नाटक में हिजाब पहनने का मामला खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस मामले में कोर्ट का फैसला देने के बाद भी मुस्लिम छात्राएं इसे मानने के लिए तैयार नहीं। पिछले हफ्ते कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली 30 छात्राओं को निलंबित कर दिया गया। भारत ने किया इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 मिसाइल का सफल परीक्षण। 4,000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम, 20 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और 17 टन वजन की ये मिसाइल 1,000 किलो वजन तक विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखती है। पर मोहम्मद पर BJP नेताओं द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के बाद इस्लामिक देशों से भारत को कड़ी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा और दर्जन भर से ज्यादा इस्लामिक देशों ने आपत्तिजनक बयान पर एतराज जताया।
वहीं अब कुवैत में भारतीय सामानों का बहिष्कार शुरू हुआ। SBI ने मैनेजर डिप्टी मैनेजर के कुल 32 पदों पर भर्तियां निकाली। आवेदन करने की तारीख 12 जून है। SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। संशोधित यातायात नियम के अनुसार अगर कोई ड्राइवर सड़क पर प्रेशर हॉर्न का उपयोग करता पाया गया तो उसको 10,000 रुपये का चालान भरना होगा। वहीं अगर नो हॉर्न जोन में कोई व्यक्ति हॉर्न बजाता हुआ पकड़ा गया तो उसे 2,000 रुपये तक का चालान भरना होगा। दिल्ली के EWS और DG श्रेणी के छात्रों के लिए अच्छी खबर। हाल ही में DOE ने निर्देश दिया है कि सभी निजी स्कूल में सामान्य प्रवेश के बाद सभी EWS और DG और CWSN उम्मीदवारों को प्रवेश देना अनिवार्य होगा। JDU ने 2 MLC उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पुराने कार्यकर्ता रविंद्र प्रसाद सिंह और अफाक अहमद खां को उम्मीदवार बनाया। अक्षय कुमार और मानवी शिल्लर स्टार ऑफ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को इंडिया के बाहर 2 देशों में बैन कर दिया गया है। इससे पहले भी फिल्म पर दिक्कतें आई थी जब कर्णी सेना ने फिल्म के टाइटल को लेकर धमकी दी थी। विकी कौशल और कटरीना कैफ पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे। दोनों एक ऐड में काम करने जा रहे हैं। बॉलीवुड का पावर कपल विकी कौशल और कटरीना जल्दी ही DJ4 ऐड में नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड के दिवंगत सिंगर KK का आखिरी गाना रिलीज कर दिया गया है। ये गाना पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म शेर दिल द पीलीभीत सागा में दिखाया जाएगा। अपने धमाकेदार एक्शन अंदाज से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज 2 चैप्टर अब उसको लेकर नया अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म अगले महीने 8 जुलाई को रिलीज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में गरज के साथ बारिश होने का है अलर्ट। IPL का अगला सीजन शुरू होने में अभी 10 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अगले साल होने वाले बड़े बदलाव को लेकर ये टूर्नामेंट अभी भी चर्चा में है। IPL के मीडिया राइट्स की नीलामी 12 जुलाई को होनी है। BCCI को इस बार नीलामी में भारी कमाई होने की उम्मीद है। 8 जून 2022 को पूरे देश में सरकारी बैंकों द्वारा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें लोन और सरकार की स्कीमों के बारे में कस्टमर्स आम लोगों को बताया जाएगा। सीमेंट स्टॉक पर इन दिनों दबाव देखा जा रहा है। श्री सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला कॉरपोरेशन, डालमिया भारत, JK सीमेंट जैसी कंपनियों ने शेयर अपने अपने 52 सप्ताह के निचले स्तरों पर है। पिछले दिनों अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपनी क्षमता को बढ़ाने का ऐलान किया था, उसके बाद से ही सेक्टर में दबाव देखा जा रहा। हमारा आज का सवाल है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।